हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ किचन से। किचन में बना रही हूँ मैं लंच। प्लीज़ आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि क्या बना रही हूँ। वैसे तो मोस्टली सिंपल लंच ही बन रहा है आजकल, कोई वैसा नहीं है। हाँ, उस दिन नौमी थी तो थोड़ा सा तड़क भड़क बना था, बट मोस्टली सिंपल लंच ही करते हैं। तो वही आज भी मैं दाल सब्जी रोटी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने आज बनाई है अरहर की दाल, और उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल करके इसको चढ़ा दिया है। अरहर की दाल काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाई थी, और सब्जी भी बना रही हूँ आज मैं भिंडी की। तो भिंडी की सब्जी के साथ अरहर की दाल ही टेस्टी लगती है खाने में। ऐसा नहीं है मतलब कोई भी दाल बना सकते हैं, बट पर्सनली मुझे भिंडी और अरहर की दाल बहुत पसंद है, सिंपल सी। तो उसी के लिए मैंने दाल चढ़ा दी है। और भिंडी जो मैं बना रही हूँ वो वैसे नहीं बना रही हूँ काट करके, जैसे भरवा वाली भिंडी नहीं होती है ना, उसका मसाला रेडी करके मैं बनाऊंगी उस तरीके की, दूसरे तरीके वाली भिंडी। इसके लिए मैंने एक जार में प्याज को डाल लिया है, और अब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा जीरा। ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। सौंफ अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज सौंफ भी पड़ती है। और लास्ट में मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ों को डाल करके मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, अदरवाइज पीसने में दिक्कत होगी। भरवे का मसाला बन करके रेडी हो गया है, और आप इसको चाहे भिंडी को कट करके भिंडी भर करके भी बना सकते हैं। और मैं भिंडी को भर करके नहीं बना रही हूँ, मैं भिंडी को ऐसे ही काट करके बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की भिंडी को कट कर लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। मैंने ज़्यादा सा सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा, और इसमें अब मैं इसको गर्म होने दूंगी। जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा तब तक मैं जो भिंडी है उसके ऊपर मसाला निकाल करके रख लूंगी। अगर आप भिंडी में बीच से जैसे चीरा लगा देते हैं तो उसके अंदर भी मसाला भर सकते हैं, वो तरीका भी है। बट ये है कि उसको थोड़ा सा भरना पड़ता है, और इसमें भरने का कोई मतलब झंझट नहीं रहता है, इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज़ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है खाने में। दोनों ही तरीके की भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि मसाला तो सेम होता है ना। तो बस अब कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, और ऊपर से जो भिंडी और मसाला है वो डाल दूंगी और चला दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसको ढक करके धीमी गैस पर पकने दूंगी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और जो सिंपल वाली भिंडी होती है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो वाली भी अच्छी लगती है, उनका अलग टेस्ट आता है, और मसाले के साथ भिंडी का अलग टेस्ट आता है। तो बस भिंडी बन गई है, दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, और अब मैं जो रोटियां हैं वो सेक लूँगी। तो बस मेरा जो लंच है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरीके का ही खाना हम लोग लाइट लाइट खाना ही खा रहे हैं आजकल। और आप लोगों ने क्या लंच बनाया मुझसे शेयर करना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा सुन करके। और बेटू भी है साथ साथ में, बेटू को भी जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो उसको किचन में थोड़ा सा आटा ज़रूर चाहिए होता है। आती और लेकर के जाती कि मम्मा मैं भी रोटी बनाऊँगी, तो वही लेकर के जाती। क्या करें बच्चे भी, मतलब आजकल हम लोग लॉकडाउन है, पूरी तरीके से हम लोग घर में कैद होकर के रह रहे हैं, बच्चे भी सारे बंद बंद हैं घर में, तो कुछ ना कुछ उन्हें करने को चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरीके से वक्त भी हम लोगों का क्या है, देखिए काम करते करते वक्त बीतता है पूरा दिन, है ना। हम लोगों के लिए तो चाहे जितना टाइम हो कमी पड़ जाता है काम के चक्कर में, बट बच्चों का थोड़ा सा लगता है ना क्या करें क्या नहीं करें। पर चलिए कोई बात नहीं, ये दिन भी हैं, बीत जाएंगे कभी ना कभी। तो यहाँ पर मेरा पूरा लंच बन करके रेडी हो गया है, भिंडी दाल चावल और रोटी, ये है मेरा यमी सा लंच। तो लंच वगैरह मेरा हो गया था, और आज मैंने कपड़े धुलने के लिए लगाए थे कपड़े, इन द सेंस जो चादर है ना, सारी चादरें मैंने धुलने के लिए लगाई थी। तो मैं उनको फैला दूंगी, क्योंकि आजकल क्या होता है कोई टेंशन नहीं रहती है सूखने की, इतनी तेज़ धूप होती है, इवन पंखे में भी सूख जाते हैं 2 घंटे में ही। हल्के हल्के कपड़े होते हैं, गर्मी भी होने लगी है तो सूखने की कोई टेंशन नहीं होती। तो अब मैं इन सारे चादरों को डाल दूंगी, तो ये शाम तक ईजिली सूख जाएंगे। आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है और धूप भी उतनी ही तेज़ है, तो बहुत जल्दी से कपड़े सूख गए थे। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, गैस वगैरह को क्लीन कर दूँगी, किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो बर्तन वगैरह हो गए हैं वो साफ़ कर दूँगी। यही मेरा रूटीन रहता है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ठीक रहता है, खाने के बाद तुरंत ही कर दो। जैसे खाने के बाद लेट बैठ जाओ तो हम लोग आलस कर जाते हैं कि अच्छा अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर वो काम रह जाता है। तो इस तरीके से तुरंत कर दो तो काम जो है जल्दी निपट जाता है, वरना फिर पूरा दिन किचन गंदी पड़ी रहे तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है ना। हाँ, तबीयत वगैरह ख़राब हो तो बात अलग की है, चलो नहीं करना है, वैसे मैं कर देती हूँ।
यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो फिनिश हो चुका है और काम करने के बाद मैं खाने जा रही हूँ अपनी फेवरेट लौकी की बर्फी। चलते फिरते एक दो मैं खाती रहती हूँ। और थोड़ी देर बाद लगभग शाम हो चुकी है, पूरी तरीके से तो नहीं हुई है बट हाँ शाम हो चुकी है। और मैंने एकदम सर ऊपर किया तो देखा मेरे सर पर ही चंद्रमा था, तो मैंने उसको शूट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम ऊपर चंद्रमा दिख रहा था मुझे। ये देखिए ये है बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत दूर दूर तक का दिखने लगा है, पॉल्यूशन कम हो गया है ना इस वजह से काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और देखिए बीटू मैडम कितनी अच्छी तरीके से सुलाई हो रही है इनकी, पापा के साथ मस्ती से सोया जा रहा है। और बस थोड़ी देर बाद मैं बनाने आ गई हूँ किचन में फिर से चाय, ये तो चाय पियेंगे नहीं, मम्मी के लिए मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा वो सुबह शाम चाय पीती हैं, हालांकि अब मम्मी ने भी बहुत कम कर दिया है चाय पीना, क्योंकि पता है ज़्यादा चाय पीना कोई अच्छी बात नहीं होती और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो मम्मी ने भी बहुत ही कम कर दिया है, बस दो बार की चाय अभी वो सुबह शाम पी रही हैं, वैसे तो दिन में भी पी लेती थी, तो वही मैंने कहा चलो मैं चाय बना देती हूँ मम्मी के लिए। और मेरा तो आपको पता ही है मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ कभी, बहुत ही रेयर कभी हो जाए, साल छः महीने में एक बार तो पी लूँ तो पी लूँ, अदरवाइज़ मुझे चाय नहीं पसंद है वैसे भी। और अब बस अब मैं करूँगी अपना एक वीडियो एडिट, करूँगी थोड़ी देर काम, फिर मिलती हूँ काम करने के बाद। अभी हम लोग कितना उलझे रहे, कितने घंटे उलझे रहे, एक घंटे उलझे रहे हम लोग, लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्या हुआ सोना, डर लग रहा है? क्या हुआ? नन्नू का मूड ऑफ है बेटू, व्हाट्सअप इतना सन्नाटा, पता है 1-2 बजे भी नहीं होता था। अरे यार भाई से कह रहे हैं 9:30 बजे इतनी बुरी हालत है, 1-2 बजे भी नहीं, इतना सन्नाटा होता था। शॉप्स तो ये 5 बजे ही बंद हो जाती हैं, सारी जो दुकानें दिख रही हैं, कितनी अजीब लग रही हैं अंधेरे में, सारी दुकानें 5 बजे ही बंद हो जाती हैं। चंदा मामा ऊपर है, क्यों चंदा मामा क्यों होते हैं? क्योंकि सूरज मामा सुबह आने होते हैं। सूरज मामा नहीं होते, सूरज चाचू होते हैं। चाचू होते हैं क्या? सूरज चाचा। अच्छा, और चंदा मामा गरम होते हैं चाचा। तो ये डॉगी को मॉर्निंग में मतलब हम लोगों को बहुत तरस आता है इसे देख करके, तो देने गए तो किसी एक डॉगी ने एक ब्रेड एक बिस्कुट कुछ भी नहीं खाया, तो मतलब इन्होंने कहा कि सब भरे हुए रहते हैं कुछ मत दो इनको। हाँ कोई ना कोई देता रहता है ना, सारी ब्रेड मतलब पूरा पैकेट ब्रेड का ये ले गए थे, ब्रेड का ये 2 बिस्किट के पैकेट सब ले गए, पिज्जा ब्रेड बची हुई थी जो बेटू के लिए बनाई थी उस दिन, पिज्जा ब्रेड पूरी डाली, किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया किसी एक ने भी, पता नहीं अब दिख नहीं रही, अब पता नहीं अब अंधेरा हो गया, तो ये वहीं पर रख के छोड़ आए थे कि जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, रख दिया ना चलो खा लेंगे। हम लोग को कैसे देख करके आप लोग भी हेल्प करते रहा करो, मतलब जो जानवर लोग हैं उनको कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, इंसानों को भी है, मतलब कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद इंसान दिखे, कोई भी ऐसा जानवर दिखे आप लोग उनकी मदद कर देना, क्या बताऊँ मैं, माइंड एकदम मेरा ना ख़राब हो गया, लैपटॉप में लगे लगे पता नहीं उसमें क्या हो गया था इनका, मैंने एक ब्लॉग एडिट किया वो सेव ही नहीं हो रहा था, इतना मैं परेशान कि हाय दोबारा एडिट करना पड़ेगा ना, और इनका अभी तक का सबसे बड़ा ब्लॉग है वो 15 मिनट कुछ का है, तो वो 15 मिनट का ब्लॉग मतलब मैंने कहा हाय राम दोबारा एडिट करना पड़ा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, इतनी मेहनत से मैंने किया, मैंने अपना ब्लॉग भी एडिट नहीं किया। नन्नू क्या कर ली हूँ, नन्नू नहीं आ रही तुमको, नहीं आ रही, नीचे देखो पुलिस अंकल खड़े हैं, शिकायत कर देंगे तुम्हारी, तुम सोती नहीं हो, ये देखो नीचे खड़े हैं, इससे मच्छर घुस जाएंगे, दोनों लोग चले गए, अलर्ट लगा लिया ना भाई, मैं याद कर रही थी यहाँ पर बैठ करके गर्मियों में व्लॉग बनाती थी, कितनी ज़्यादा रौनक रहती थी ना पहले, एकदम चहल पहल रहती थी, उस टाइम गौरी भी आई हुई थी ना, गौरी और मैं अक्सर यहीं पर बैठा करते थे, गौरी अच्छा कब कैसा वक्त आ जाए पता भी नहीं चलता है ना। मैंने ना एक व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि रेंट इतना बढ़ गया, लॉकडाउन हो गया, ऑब्वियसली सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही, हर किसी की अर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो लोग डेली के कमाने खाने वाले हैं, जो लोग भी जॉब वगैरह करते हैं उन सभी की अर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अकेली मेरी ही नहीं, तो आप लोगों ने उस पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि आप टेंशन ना लो सब सही हो जाएगा, ये वो है, तो बहुत अच्छा लगा। पर मेरे पास सिर्फ एक कमेंट ऐसा आया, देखिए एक आता है तो मैं एक ही बोलती हूँ, ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो सिर्फ एक कमेंट ऐसा है, वो भी ब्लॉक में गया था क्योंकि उसमें ब्लॉक वर्ड थे, तो मैंने उसको डिलीट ही मार दिया। उन मैडम ने लिखा था अब तो तेरे भूखे मरने की नौबत
आ गई अब तो तू भूखी मरेगी ऐसा कुछ करके एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं, क्योंकि वो कमेंट देख के गुस्सा चढ़ता तो मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ। और इनको क्या हुआ, एकदम से भौंकने लगे थे नीतेश, कुछ लोग भी इन्हीं लोगों की तरह होते हैं ना, कब क्या बोल रहे कोई भरोसा नहीं होता है। वही मैं आप लोगों के साथ कमेंट के, आप लोगों से कमेंट के बारे में बात भी कर रही थी, तब तक ये देखिए कितनी तेज़ भौंकना शुरू हो गए हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं, अंदर ही जाती हूँ मैं। अच्छा लग रहा था थोड़ा यार, लैपटॉप में देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं थोड़ा सा बाहर का मुझे नज़ारा लेना था, इस वजह से मैं आ गई थी देखने के लिए। और बेटू को मस्ती सवार है, दिन में सो चुकी है तो उसको नींद भी नहीं आ रही है। हाँ तो चलिए, मैं वही कह रही थी कि ऐसा कमेंट आया कि मतलब, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कितना लोग पर्सनल चले जाते हैं कि भूखी मरोगी तुम, अब तो तुम्हारा पति तो कुछ कमाएगा नहीं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मुझे गुस्सा तो आया, फिर बाद में हंसी भी आई कि जैसे ये मेरी बैंक की मैनेजर है, पता नहीं कौन है, मेरा बैंक बैलेंस देखा है इन्होंने या क्या देखा है इन्होंने, जो ये इतनी डीपली बात बोल रही हैं और सामने नन्नू मस्ती कर रही है। मैं कहूँगी यार, किसी को भी इतना गंदा बोलने कैसे बोल लेते, कैसे हिम्मत कैसे होती इतना पर्सनली जाने की, इतनी पर्सनल बातें बोलने की, कुछ जानो ना तानो मोटा करके कुछ भी बकवास कर दो। मेरी तो सच में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतना मैं बोलूँ, जैसे वो देख रही है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं भूखी मरूंगी भूखी रहूंगी तो अच्छी बात है, लगता रहे आपको, आप इसी में खुश रहिए, बट रिक्वेस्ट यार ऐसे मत बोला करो, मत बोला करो ऐसे, कुछ नहीं मिलना है आप लोगों को। बट हो सकता मिलता भी हो, फ्रस्ट्रेशन निकलती हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हो सकता है ना हर इंसान दुखी है परेशान है। अब हम खुश हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं सामने वाला हर कोई खुश हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो सकता है आपको तसल्ली मिलती हो ऐसे कमेंट से, बट फिर भी ऐसे कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं तो इतना ही कहूँगी, और ये मेरी छोटी सी नन्नू प्याली जी, नन्नू या मिली दुलारी जी, नन्नू या मिली नेक जी, छोटी जी बाबू है मेरी छोटी सी, बिल्कुल भी गेटिच लेवल में क्लिप क्लेचर कुछ नहीं लगाती है मेरी प्यारी जी मेरी, सबसे सोनी क्यूटी पाई है मेरी, चपचे जाने बाल कैसे हो गए नन्नू के। चलो बाय बाय कर दो चप्पू, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो कल मिलेंगे, लाइक कर देना, लाइक कर देना, ऐसे। चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी आपके साथ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।